1000 के नोट पे गणेश जी छाप करके उन्होंने सुधारा, ये नुस्खा क्या हमारा हिंदुस्तान भी अपनाएगा क्या? क्योंकि हम भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं, क्या हम अगले 10,000 के नोट का इंतजार करें? वाह, अब तो ये तो नरेंद्र मोदी जवाब दे सकता है, मैं तो पक्ष में हूँ। मैं तो कहता हूँ लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए, गणपति विघ्न को हटाने के लिए है, परंतु देश के करेंसी को सुधारने के लिए लक्ष्मी का फोटो करके हो सकता है और किसी को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। पागल हैं सब कुछ, जो अनपढ़ लोग हैं इसमें कौन सी बात है जो आपत्तिजनक है? जिन लोगों को देना था, जिन आग्रह हुआ है, कांग्रेस की तरफ से ही आग्रह हुआ था, महात्मा गांधी की तरफ से आग्रह हुआ था, मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में आग्रह किया 2003 में, हमने कर दिया। अब वो कहते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मुसलमान के साथ हमने अन्याय किया। क्या अन्याय किया? वो तो आने नहीं चाहता है, तो हम कैसे ज़बरदस्ती उनको ला सकते हैं? हथियार बनाने के लिए एक सलाह दी है, हाँ, किस तरह से हथियार बनाए? नहीं, जो इनको शिक्षित करना चाहिए, उनको नौजवानों युवा युवतियों को समझाना चाहिए कि वो सिर्फ नौकरी ना ढूंढें, अपने आप पांव पर खड़े होकर कुछ शुरू करें जिससे 4-5 और लोगों को नौकरी मिल जाए। ऐसा एक मंशा आनी चाहिए, जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। तो ये ऐसे ही शिक्षा देने से ही हमारे देश में विकास हो सकता है। आपकी बात, प्लानिंग अपने आप करेंगे लोग। हमारे देश की जो हिंदू की संख्या कम होते गई है, 2.5% से 1.6 हो गई है, ये किसने किया है? ये तो अपने आप लोगों ने किया है। जब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने से ज़्यादा वो दीर्घकालीन में कमाएंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली पैसा बचाने के लिए कम बच्चे पैदा करेंगे। पहले हमारे देश में 5-5 बच्चे सब पैदा करते थे, अब तो 3-2 ऐसा हो गया है। नहीं, राम मंदिर भी मैंने ही बात की थी, कहाँ सरकार ने कहाँ बात की थी, सारा 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 तो मैंने ही किया कोर्ट में जाकर। मतलब आपके बयान जो है वो दुधारे नहीं होते कि विपक्ष को भी परेशान करते हैं, सरकार को भी? तो अब लोकतंत्र में तो स्पष्ट होनी चाहिए, जो सही बात है सही कहना चाहिए, उसमें सराहना करनी चाहिए बीजेपी को कि वो बुरा नहीं मानते हैं कि मैं पार्टी की नीति के खिलाफ भी बोल सकता हूँ। तो ये बात कहीं ना कहीं शाह जी और मोदी जी को भी समझ में आ जाना चाहिए। नहीं, वो कहाँ रोक रहे हैं, वो तो हाँ, हमारी गवर्नमेंट को इस पर योजना बनानी चाहिए। अभी नहीं बनाई, कितना हमने बहुत जितना हम लोगों ने किया, बीजेपी ने किया, किसी और ने नहीं किया। 370 हटा दी, किसी और को हिम्मत था? मैं पार्टी सुनने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो देश समझा दूंगा तो पार्टी ऑटोमेटिकली सुनेगी।